मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूबे में नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रतलाम जिले में पुलिस प्रशासन नशा बेचने वालों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई कर रही है। सड़क किनारे खेतों में बने अवैध ढाबों को प्रशासनिक अमले ने बुलडोजर के साथ तोड़ दिया है। प्रशासन ने महू नीमच हाईवे के आसपास क्षेत्रों में बने ढाबों पर नशा बेचने की शिकायतें मिल रही थी। इसी पर प्रशासन ने पिछले 3-4 दिनों से अवैध ढाबे की जानकारी जुटा रहा था, जिसके बाद प्रशासनिक अमला शुक्रवार को बुलडोजर और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ ढाबे तोड़ने की कार्रवाई की है। तकरीबन 5 ढाबों को जमींदोज कर दिया है।